हेलो दिस वेलकम माय न्यू वीडियो वीडियो इस वाले में हम लोग करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड साथ में ब्रेड्स रूल भी हम पूरे तरीके से करेंगे ठीक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज ब्रेड्स रूल के ऊपर ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आ चुके हैं जी एडवांस के अंदर ठीक है जीओसी से अभी तक नहीं आया है तो उसके ऊपर हमें फोकस रखना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के अंदर हम लोग क्या क्या गिनते हैं हम लोग कार्बोकटायन कार्बन आयन रेडिकल इन सब की स्टेबिलिटी भी हम लोग देखने वाले हैं तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करूं तो वो हमारे पास बन के आता है कार्बोकटाइन बेसिकली क्या है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कार्बोकटायन के बारे में ऑलरेडी ही देख ली हैं लेकिन अब हम लोग उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कार्बोकोटायन प्रेजेंट हो रहा है जिसके ऊपर आप आराम से देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे होंगे तो so सिंस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होने वाला है और ऐसा क्यों बिकॉज कार्बन के पास वो आठ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उसको छह ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं तो नंबर वन अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लिखवाना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा कि कोई भी कार्बोकोटाइन एक एस पी टू हाइब्राइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ ठीक है एस पी टू हाइब्रेडाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है सेकेंड बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो कार्बोकोटाइन है उसकी बैलेंसी क्या होनी चाहिए आपको दिखाई दे रहा है कि भाई साहब वो तीन ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है इसीलिए वो आपके पास बन के आ जाएगा एक ट्राइवेलेंट कंपाउंड तो इज कार्बोकोट इन नेचर अगर मैं एक स्टैंडर्ड की पे बात कर रहा हूं इस स्टैंडर्ड कार्बोकटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं छ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा ऑब्वियस सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो जाएगी लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको देखनी है वो ये सोचना है कि क्या कार्बोकटायन एक स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए या वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होना चाहिए लगाओ दिमाग ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल है हाईली अनस्टेबल है अब हाईली अनस्टेबल क्यों हुआ ये तो हमें समझ आ रहा है कि अनस्टेबल है हाईली अनस्टेबल क्यों है बिकॉज लॉजिक नंबर वन तो आपको ये दिख ही रहा है कि नंबर ऑफ जो ऑक्टेट है वो हमारे पास पूरा नहीं है लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ऑक्टेट पूरा नहीं है फिर भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो रहा है प्लस चार्ज इसलिए वो और ज्यादा भयंकर अनस्टेबल बन के आ रहा है ठीक है तो उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कोई भी चीज जो हाईली अनस्टेबल होती है वो आपके पास हाईली रिएक्टिव भी हो जाती है ठीक है इसलिए तो हम इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इंटरमीडिएट्स बोलने का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक में फिजिकल में कि बेसिकली रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है बीच में जो बनेगा उसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट क्या इंटरमीडिएट को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं आइसोलेट मतलब क्या उसको मैं निकाल के देख सकता हूं लॉजिकली समझो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स अनस्टेबल होते हैं लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे भी इंटरमीडिएट्स दिखाऊंगा जो भयंकर स्टेबल भी होते हैं ठीक है तो उनको हम लोग आइसोलेट करके देख सकते हैं एंड उस उधर से ही एक्चुअली डेरिवेशन आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का कि पहली बार उनको कैसे देखा गया होगा ठीक है तो इस पेज को पॉज करके लिख लीजिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी तक कार्बोकोटाइन ही चल रहा है नंबर सिक्स पॉइंट अगर कार्बोकोटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो वो किस प्रकार के ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा ठीक है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो ऑब्वियस सी बात है सेवेंथ पॉइंट एसिड की तरह बिहेव करते हैं लुइस एसिड अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको आयनिक एक्वीरियम के टाइम पे बताया भी जाता है एंड साथ में ऑर्गेनिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के टाइम पे तो मैं बताता ही हूं ठीक है तो इसके लिए होल्ड कर लेना वरना तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो आपको समझ आ ही रहा है जैसे H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है वैसे सी प्लस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है तो उसी प्रकार का कॉमन नेचर ऑब्जर्व किया जाता है इसलिए लुइस एसिड बोला जाता है ठीक है तो डिटेल के लिए और रुक जाना नंबर एट्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं कितनी बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो रही हैं में तीन बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो रही हैं जैसे कि आप देख सकते हो नाइन पॉइंट के ऊपर चलते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कार्बोकोटायन के ऊपर आइए देखिए तो यहाँ पे टू पेयर्ड टू पेयर्ड टू पेयर्ड तो सब कुछ हमारे पास पेयर्ड है इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे वो बन के आ जाएंगे जीरो एंड सिंस वो हमारे पास जीरो बन गया तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलते थे इसको हम बोलते थे डाया मैगनेटिकाया मैग्नेटिक कंपाउंड अच्छा आगे चलते हैं कितनी लोन पेयर प्रेजेंट हो रही होंगी किसी भी कार्बोकटाइन के ऊपर आपको दिख ही रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे जीरो ठीक है? है ही नहीं लोन पेयर ही नहीं है उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कहाँ पे पढ़ाया जाता है ये आपको पढ़ाया जाता है अटोमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा वो होता है रूट ऑफ एन इन टू एन प्लस टू एन बोलने का अभिप्राय क्या होता है नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब यहाँ पे वो हमारे पास है ज़ीरो तो ज़ीरो इन टू ज़ीरो प्लस टू वो बन के आ जाएगा ज़ीरो बन जाएगा जीरो तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास बन के आ जाएगा जीरो ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बात करें ट्वेल्थ पॉइंट की कि कोई भी कार्बोकटायन है अच्छा पहली बात मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको याद ही होना चाहिए यूनिट क्या होता है बोर मैग्नेटॉन ठीक है ये कहाँ से डिराइव होता है ये डिराइव हो जाता है आपका अटोमिक स्ट्रक्चर के अंदर से अगर हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की आज ना भाई साहब लग रही है नाक लाल हो जाता है लाल हो गया ना ठीक है स्पिन okay, की बात करते तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी क्या होता है मल्टीप्लीसिटी मल्टीसिटी multi लिख दिया वेरी गुड मल्टीप्लीसिटी यह हमारे पास हो जाता है टू एस प्लस वन टू एस प्लस वन टू इंटू अच्छा एस कितना होगा पहले वो समझने की कोशिश करिए ध्यान से देखिए तो यहां पे दोनों पेयर्ड है तो प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू जीरो पे भी प्लस वन बाई टू बन के आ जाएगा, जीरो अब मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया था कि इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 टू है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ज्योमेट्री एंड शेप अलग चीजें होती हैं ठीक है थेके? तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री हमारे पास इसकी बन के आ जाएगी तो इस पेज को लिख लीजिए ये बेसिक ज्ञान जो है थ्योरी का वो आपके पास मैंने आपको लिखवा दी आइए नेक्स्ट थोड़ा खेल स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या इफेक्ट्स पढ़े हैं एक बार वो समझ लेते हैं अभी तक हमने एरोमेटिक देख लिया हमने रेजोनेंस देख लिया हमने हाइपर कॉन्जुकेशन देख लिया इंडक्टिव देख लिया अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो बनता है ये सब derived है आपके नोट्स में ठीक है सब डिराइव्ड है बस ये नहीं पता होगा कि एरोमेटिक रेजोनेस ज्यादा स्टेबल क्यों होगा फ्रॉस सर्कल लिटरली फ्रॉस सर्कल ठीक है एरोमैटिक वाला जो है वहां पे रेजोनेंस तो होगा ही होगा ना आया समझ या नहीं आया बस वही फंडा यूज हो रहा है एरोमैटिक से ज्यादा स्टेबल हमारे पास होता है एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल हमारे पास होता है एरोमेटिक ठीक है उससे ज्यादा स्टेबल डांसिंग होता है जो हम आज या अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे अच्छा कॉजी एरोमेटिक का मतलब क्या है और वो एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल क्यों है इसके पीछे भी लॉजिक है अगर फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे मैंने ये मॉलिक्यूल लिया Benzine, क्या ये एरोमेटिक है बिल्कुल है ठीक है आंख बंद करके सही आंसर आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉजी एरोमेटिक लिया मतलब मैंने एक और स्ट्रक्चर लिया जो एरोमेटिक है वो ये है अच्छा कॉजी का मतलब क्या होता है चार्ज तो जब चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आए उसी फिनोमिना को मेरे भाई हम लोग बोल देते हैं कॉजी एरोमेटिक ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंटली इस चार्ज को हटा दूं तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा अब वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कॉजी एरोजी एरोमैटिक इसमें चार्ज का कोई रोल नहीं है तो ये बन के आ जाएगा एरोमैटिक अब देखो ये तो हर कोई बताता है आपको लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं देखिए मुझे पता ना रग रग पता है बच्चों के कहां पे वो बसते हैं क्या ये कंपाउंड कॉजी ऑरोमैटिक होगा या एरोमेटिक होगा चार्ज प्रेजेंट के ध्यान से देखिए ये वाला भी हमारे पास एरोमेटिक होगा भाई साहब बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड चार्ज की वजह से नहीं हो रहा है चार्ज की प्रेजेंस की वजह से अगर मैं चार्ज को एबसेंट कर दूं मेंटली तो क्या फिर भी कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा बिल्कुल बनेगा ना आया समझ या नहीं आया इसलिए मेरे भाई ये वाला एरोमेटिक बनेगा ना कि क्वी एरोजी ऑरोमैटिक का एक और एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ये क्या ये कंपाउंड कॉजियरमेटिक होगा बिल्कुल होगा बिकॉज अगर मैं चार्ज को एबसेंट करवा दूं तो वो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चले जाएगी ठीक है आया समझ या नहीं आया अब ऑब्वियसली डाउट ये आ रहा होगा कि ये सबसे टॉप पे कैसे हो गया फिर एरोमेटिक तक तो आपको समझ आएगी होगा वो टॉप पे क्यों है कॉजियोरोटिक टॉपर क्यों बन गया बहुत ही सिंपल फंडा है बिकॉज वहां पर चार्ज का रोल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन हम पढ़ रहे हैं लिटरली जो कार्बोकोटायन है उसके भाव अब बढ़े हुए हैं जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोअनायन देखा जाएगा ठीक है तो कार्बोकोटायन के जो भाव हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं क्यों बिकॉज अगर कार्बोकोटायन नहीं रहेगा तो मेरे भाई जो कंपाउंड है वो भयंकर अनस्टेबल बन के आ जाएगा बस यही फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है ठीक है तो टिल नाउ हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया लिख लीजिए इसको पॉज करके लिख लीजिए पॉज कर आइए चलते हैं फिर क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं ज्यादा पोती है नहीं इसके अंदर ठीक है क्वेश्चन की हेडिंग डाल लीजिए कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायंस कंपेयर द अच्छा होमवर्क आपको भिजवा दिया गया है टेलीग्राम पे टेन से ट्वेंटी फोर वो रहेंगी इन दो तीन लेक्चर्स के लिए ठीक है तो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोविंग कार्बोकटायन ऑफ फॉलोइंग दर््बोकटाइन ठीक है कुछ कुछ एप्लीकेशन वैसे हम लोग देख भी चुके हैं इन क्या बोलते हैं उसको हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल थ्री प्लस एच टू प्लस सी एच थ्री सी एच प्लस सी एच थ्री साथ में ये दिया गया है थ्री डिग्री तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए यहाँ पे कार्बोकटाइन है इंडक्टिव भी है लेकिन इंडक्टिव के ऊपर क्या डोमिनेट कर रहा था हाइपर कॉन्जिकेशन क्यों कर रहा था वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आता है ठीक है इसलिए यहां पे आपके पास नाइन अल्फा हाइड्रोजन वर्सेस सिक्स अल्फा हाइड्रोजन थ्री अल्फा जीरो अल्फा जो करेक्ट ऑर्डर बन के आ जाएगा मेरे भाई वो ये बन के ठीक है नेक्स्ट नंबर बी और ट्राई करिए फॉर एग्जाम्पल हाँ ऊपर वाले को आप इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन वंस अगेन मैं वही बोलूंगा कि जो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है उसी से एक्सप्लेनेशन देना सही है ओके नंबर बी को ट्राई करिए यहां पे हमसे पूछा गया है कंपेयर द स्टेबिलिटी तो अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे आपके पास है सेवन अल्फा इस वाले में फोर अल्फा इस वाले में सिक्स अल्फा स्टेबिलिटी क्या बन जाएगा ए सी बी पॉज करके लिख लीजिए पॉज करके लिख लीजिए ओके नेक्स्ट नंबर सी के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच प्लस सी एच थ्री सी एच टू फॉर एग्जांपल ये दिया गया अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो ये तो सिंपल है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा इसमें तो बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए नंबर डी फॉर एग्जांपल यह दिया गया है एच थ्री प्लस दिया गया है एंड ये दिया गया हमसे बोला गया है मोस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए तो मोस्ट स्टेबल तो सही है कि आपके पास ए बन के आ जाएगा लेकिन अगर मैं बी एंड सी के बीच की बात करूं तो ऑब्वियसली बी शुड बी मोर स्टेबल देन सी अगर ये सोचा है तो गलत है बिकॉज आपको लग रहा है कि वहां पे रेजोनेंस है लेकिन वहां पे एक्चुअल में तो रेजोनेंस है ही नहीं इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा दैट इज ए पी सी भी बोलना चाह रहे थे ए बी एंड सी ठीक है समझ आ रहा है क्यों बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस है तो वो गलत है ये एंटी एरोमेटिक है जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हमारे पास एरोमेटिक है ये वाला मेरे भाई नॉन नॉन एरोमेटिक एंटी एरो से ज्यादा स्टेबल बन के आता है ठीक है समझ आ गया नेक्स्ट आइए नंबर ये क्वेश्चन e. अच्छा, जो है उसमें क्या होता है उसमें लोगों को गलत पढ़ाया जा वही चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो आप बोल दोगे कि स्ट्रेन ज्यादा है इसलिए डी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए

कंपाउंड्स के ऊपर रहना चाहता है तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जो थ्री मेम्बर्ड रिंग है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है ना आप बोलोगे ये कैसे आया अगर आप इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखोगे एक सिंपल सी थ्री मेंबर्ड रिंग का तो वो हमारे पास होता है सी एच सिक्स सी थ्री एच सिक्स में अगर आप परसेंटेज एस ढूंढना चाहो तो क्या आप लोग ढूंढ सकते हो ढूंढिए देखो तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ तो एस पी टू एस पी टू एस पी थ्री एस को दिमाग में आप एप्पल मान सकते हो पी को ऑरेंज मान सकते हो एक फ्रूट बास्केट है उसमें मैंने परसेंटेज एस आपसे पूछा है तो मेरे भाई तीन एस प्रेजेंट है टोटल सब मिला के कितना फ्रूट्स हो रहे हैं एस वन पी टू मतलब तीन तीन यहां से चार यहां से थ्री अपॉन्ट टेन इन हंड्रेड दैट इज थर्टी परसेंट है समझ सिमिलरली अगर आप इसमें देखना चाहो इसमें देखिए तो ये आपके पास है फोर मेंबर रिंग फोर मेंबर रिंग का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास बन के आ जाएगा सी फोर एच एट सी फोर एच एट कैसा दिख सकता है अगर मैं लीनियर कंपाउंड में बात करूं तो वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन जो भी आप लिखना चाहो उससे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एस पी टू एस पी टू एस पी थ्री एस पी थ्री तो मेरे भाई परसेंटेज एस कितना बन के आ जाएगा देखिए फ्रूट बास्केट चार हमारे पास एस है एंड जो टोटल फ्रूट्स हैं वो हो जाएंगे तीन थ्री सिक्स फोर टेन फोर्टीन इंटू हंड्रेड तो टू अपॉन सेवन टू हंड्रेड अपॉन सेवन टू जो फोर्टीन एट फिफ्टीन ठीक ट्वेंटी तो आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है मैथ्स है एक गलत पढ़ाया जाता है स्ट्रेन के द्वारा वो गलत है बिकॉज अगर स्ट्रेन ही सही आंसर होता तो फिर माइनस वाले में भी सेम आंसर आना चाहिए था जब मैं माइनस चार्ज लगाऊं तब क्यों विपरीत आंसर आता है ठीक है तो रीजन इज परसेंटेज एस परसेंटेज एस, एस घटता जाएगा घटता जाएगा जब आप बाकी दोनों के लिए भी कैलकुलेट करोगे इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी इस वाले की लिख लीजिए पॉज करके नेक्स्ट नंबर एफ पे आइए फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल ठीक है साथ में दिया गया है कार्बोकोटायन साथ में दिया गया है ध्यान से देखिए डाइफेनाइल ओके ये दिया गया है हमसे बोला गया है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल अच्छा और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इसको है ना देखिए ध्यान से कम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट सही है टाइम बचाता है यार आप भाई सही से करिए और हर ना देखो पूरा देखो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉज करके देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैं ओरली बोल देता हूं जो आपको समझ ही नहीं आएंगे मैंने क्या बोला ओके ये ए है पॉज मतलब फॉरवर्ड करके बी सी डी एंड ई अच्छा पहली बात इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स क्वाजी एरोमेटिक हैं अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे भाई क्वाजी एरोमेटिक सिर्फ ए वाला कंपाउंड अपन के पास प्रेजेंट हो रहा है ठीक है तो ए विल बी द मोस्ट स्टेबल कोई दो राय नहीं है उसके अंदर ए विल बी द मोस्ट स्टेबल द मोस्ट स्टेबल अच्छा मेरे भाई अगर हम बात करें बी सी डी एंड ई के बारे में तो ये देख के मत पागल हो जाना किया भाई यहाँ पे तो दो ही दो तीन ही रेजोनेंस है यहां पर तो उतनी सारी इतनी सारी हाँ अब देखो जो असली कॉम्पिटिशन है वो है बिटवीन ई एंड डी अब इनमें हम कैसे सोच सकते हैं रेजोनेंस का मतलब है कॉन्जुगेशन मतलब प्लेनारिटी जो प्लेनारिटी से आता है लेक्चर वन ऑफ रेजोनेंस में आपको बताया गया था तो जो यहाँ पे बॉन्ड्स हैं क्या वो फ्री बॉन्ड्स नहीं हैं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो बेंजी हैं, बेंजीन वन बेंजीन टू मेरे पास तीन हाथ नहीं है इसलिए मैं तीन बेंजीन नहीं दिखा पा रहा हूँ दो तो बेंजीन दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए तो दोनों बेंजीन आराम से अपनी मर्जी से घूम सकती हैं तो एक टाइम पे एक प्लेन में होगा बाकी दोनों आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप इधर देखो इन सभी को मैंने इस बॉन्ड से बांध दिया देखिए, ये बॉन्ड से जुड़े हुए ना सबके सब तो मेरे भाई जब एक बेंजीन घूमेगा समझ आया देखो ये बॉन्ड है सभी बेंजीन साथ में घूमने वाले सभी बेंजीन साथ में घूमने वाले तो यहां पे हमारे पास ज्यादा प्लेनारिटी हो जाएगी और जब हमारे पास ज्यादा प्लेनारिटी होगी तो क्या होगा ज्यादा प्लेनारिटी मतलब ज्यादा रेजोनेंस मतलब मोर स्टेबिलिटी फॉर दर्बोकटाइन बस वही फंडा यहां पे भी यूज किया जा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा ए विल बी मोर स्टेबल देन ई Then D, then C, then B. आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है बेसिकली प्लेनैरिटी का फंडा यूज किया गया है लिख लीजिए पॉज करके मोर प्लेनैरिटी का मतलब है मोर रेजोनेंस मतलब बेटर रेजोनेंस ठीक है प्लेनैरिटी तो होती है अच्छा नंबर जी फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है सी एच टू प्लस की ऑर्थोपोजिशन पे एन एच टू कॉपी कर लेते हैं एक बार इसके बड़ा रबर आपको समझ आ ही रहा है मैं क्या करने वाला हूं एक बार पे एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे ओके okay. तो यहाँ पे है NH2 टू यहां पर है ट्राई करिए इसको आपसे बोला गया है स्टेबिलिटी कंपैरिजन आपको करके बताना है किस केस में सबसे ज्यादा हो जाएगा ठीक है वैसे तो सिंपल ही है मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास नहीं है ओके okay, ये भी डाल देते हैं बस नॉर्मल अब अगर हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से जब हम एक बेंजाइल कार्बोकोटाइन को लेते हैं तो जब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करेगा तो कौन कौन सी पोजीशंस पे जाएगा देखिए इधर से इधर गया इधर आएगा प्लस चार्ज इधर आएगा इधर आएगा क्या आपको समझ आ रहा है एंड एक बार वापस ऊपर जाएगा क्या आपको समझ आ रहा है जो चार्ज है वो सिर्फ ऑर्थो, पैरा ऑर्थो पोजीशन पे ही जा रहा है मतलब मेटा पे चार्ज जा ही नहीं रहा है इसका मतलब क्या हुआ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो जब प्लस चार्ज के ऑर्थो पोजीशन पे हुआ देखिए ध्यान से समझ आया नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं तो जो एन एच टू है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लस एम दिखा सकता है ठीक है सेम चीज़ पैरा वाले में भी हो जाएगी जब ये वाला मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा प्लस चार्ज तो ये भी आराम से प्लस एम दिखा सकता है लेकिन क्या यहाँ पे ये यह हो पाएगा यहाँ पे प्लस एम नहीं लग पाएगा क्यों बिकॉज मेटा पोजिशन के ऊपर तो भाई साहब चार्ज ही नहीं जा रहा है जब वहां पे चार्ज ही नहीं गया तो स्टेबिलिटी वहां पे आ ही नहीं पाएगी ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट आया समझ नहीं आया क्या चल रहा है इसीलिए इस वाले केस में लग जाएगा प्लस एम वैसे तो होता ही सिंपल है ये प्लस एम एंड माइनस आई जब मेटा पे होगा तो प्लस एम तो या माइनस एम तो लग नहीं पाएगा सिर्फ माइनस आई लग पाएगा एंड यहां पे कुछ भी नहीं है ना दे रहा है ना ले रहा है आराम से बैठा है न्यूट्रल हो गया जीरो तो लॉजिकली कौन सबसे बेस्ट होना चाहिए देखो प्लस एम तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है याद करिए मैंने आपके सामने प्रूव किया था ये मिजोमेरिक के टाइम पे ठीक है तो ये यह जितना यहां पे है फॉर एग्जाम्पल सौ यूनिट तो यहां पे भी सौ यूनिट है लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर हमारे पास हो जाएगा माइनस आई जो यहाँ पे ज्यादा होगा लेकिन यहां पे कम होगा तो बेस्ट कौन बन जाएगा बेस्ट बन जाएगा सी देन ए उसके बाद बी एंड डी में कंपैरिजन करूं तो सिर्फ खींच रहा है आप जो ऑलरेडी एक बेगर है उससे भी खींच रहे हो ठीक है दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ जो हो सकता है तो यहां पर बन के आ जाएगा सी ए टी बी ठीक है पहले दोनों उस बैगर को दे रहे हैं डी वाला ना दे रहा है ना ले रहा है आराम से चला गया उसके सामने से लेकिन जो बी वाला है वो उसी के कटोरे में से खींच रहा है ठीक है इसलिए वो बन के आ जाएगा लीज टेबल पॉज करके लिख लीजिए पॉज करके लिख लीजिए आइए नंबर एच क्यूब अब बिल्कुल ध्यान से देखना अब आपको समझ आ ही रहा है क्या खेल खेलने वाले हम इसलिए हम लोग क्या कर देंगे ग्रुप जी लगा के वो कर देंगे जनरलाइज कर देंगे जनरलाइज मतलब डिराइव करेंगे ठीक है सब डिराइव होता है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तो जे इज इक्वल टू दिमाग ओके ऑर्थोपोजिशन मेटापोजिशन तो नंबर एच जो हमारे पास क्वेश्चन है ठीक है ट्राई करना बिल्कुल ध्यान से और ढंग से करना ठीक है उसमें जो जी है वो है ओवेच OH. नंबर आई में जो जी है वो हमारे पास है ओ सी एच थ्री नंबर जे में समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है तो एक बार ओ सी एच थ्री इधर 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 ठीक है उस प्रकार से ओके जी हमारे पास हम ले सकते हैं क्या ले लें सी एच थ्री ओके नंबर के जो जी है वो हमारे पास है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ए बी सी रहेंगे ऑप्शन आप पूरा साथ में ही लिखो पहले और फिर पूरा साथ में सॉल्व करो फिर मैच करो कि आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा जी इज इक्वल टू एन ओ टू जे के एल एम जी इज इक्वल टू एन मेरे हिसाब से ट्राइ अभी के लिए ओके okay, आइए डिस्कस करते हैं पॉज करके कर लेना ट्राई उसको ए पी टी अच्छा जब मैं बात करता हूँ ओ OH के बारे में तो क्या ओ OH में सेम चीज नहीं हो रही जो हमारे पास एन एच टू के टाइम पे हो रही थी बिल्कुल सेम होगा प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई ओनली माइनस आई प्लस एम माइनस आई तो बेस्ट कौन सा बन जाएगा सी ए सेम फंडा जो हमने पिछले पेज पे यूज किया था और कुछ भी नहीं अच्छा ओ सी एच थ्री वाले में क्या हो जाएगा सेम प्लस एम माइनस आई यहां पे भी सेम हो जाएगा जी में क्या हो रहा है सी एच थ्री सी एच थ्री कौन कौन से इफेक्ट दिखाएगा तो सी एच थ्री मेरे भाई यहां पे तो प्लस एच एंड प्लस आई दिखाएगा प्लस एच कैसे हाइपर कॉन्जुकेशन में है ना आपको मैंने टोलोवीन के जो स्ट्रक्चर बनवाए थे याद करिए ग्यारह स्ट्रक्चर्स उसी प्रकार की सेम चीज हो रही है यहां पे सिर्फ प्लस आई बिकॉज जब प्लस चार्ज ट्रेवल करेगा तो इधर जाएगा इधर जाएगा इसके बगल में आएगा ये तो दिखा पाएगा लेकिन ये नहीं दिखा पाएगा बिकॉज इसके पास प्लस आया ही नहीं तो जो तीन अल्फा हाइड्रोजन है कुछ फायदा ही नहीं हुआ प्लस चार्ज के लिए आया समझ सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी इधर गया प्लस चार्ज इसको दे सकता है ये प्लस एच के द्वारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बस तो सी एच थ्री है वहां पे प्लस एच प्लस आई लग रहा है अब कैसे कंपेयर करें इसमें प्लस एच जितना यहां पे है वो उतना यहां पे है तीन अल्फा तीन अल्फा तो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा ठीक है तो जब बगल में है तब ज्यादा होगा तो ए एस... सी बी जी वाला क्या हो जाएगा ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है प्लस एम माइनस आई दिखा रहा है जैसा पहले हो रहा था ए बी एनओ टू एनओ टू कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाता है वो दिखाता है माइनस एम एंड माइनस आई माइनस एम एंड माइनस आई तो ये तो हमारे को कर देगा भयंकर अनस्टेबल क्या कर देगा भयंकर अनस्टेबल और ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज वो लिटरली खींच रहा है लिटरली खींच रहा है so देखो ए वाले में लगेगा माइनस एम माइनस आई बी वाले में कोई माइनस एम नहीं लगेगा तो ओनली माइनस आई सी वाले में माइनस एम माइनस आई कौन सा बेस्ट हो जाएगा बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट हो रहा है यहां पे, तो इसलिए बी वाला हमारे पास सही आ जाएगा आया समझ या नहीं आया अगर मैं ए एंड सी की बात करूं तो ए एंड सी में अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई लेकिन वही वाली बात है माइनस एम माइनस एम सेम तो माइनस आई ए में ज्यादा है सी तो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाए यहाँ पे भी सेम चीज सी एन भी तो माइनस एम माइनस आई दिखाता है तो बी सी ए पॉज करके लिख लीजिए इसको देखो सब चीज का डेरिवेशन है सब चीज में दिमाग लगा सकते नेक्स्ट नंबर एन क्वेश्चन पे जो मैंने आपको इंडक्टिव फिट की लिखवाई थी ना प्लस आई वाली तो मैंने बोला था कि होल्ड करना तो जो होल्ड करने वाला पार्ट है अब आपके पास वो क्लियर हो जाएगा सी एच टू प्लस सी एच थ्री सी एच टू प्लस सी डी थ्री सी एच टू प्लस सी टी थ्री टी मतलब क्या होता है ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन सिमिलरली टी मतलब क्या होता है ट्रिटियम वो भी हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है ठीक है आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं तो अगर आपको याद होगा याद यह नहीं है ठीक है तो जो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क होता है वो किसके बराबर होना चाहिए वो होना चाहिए एम वी अपॉन आर के बराबर याद है या नहीं है ये, ये सेंटर पीटल ये होना चाहिए इसके बाद आर आर यहां से कैंसल हो जाता है तो जो आर की वैल्यू बनती है मुझे आर से मतलब है दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम वी ये आपने बोर्स मॉडल में डिराइव किया होगा अटोमिक स्ट्रक्चर के अंदर तो बेसिकली मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको समझ क्या आ रहा है इसको देख के कि भाई के वन क्यू टू ये सब तो सेम है सेम है ना भाई एंड बेसिकली जो आर का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है कोई भी ऐसे प्रूव नहीं करता है इसको ठीक है आर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है इसका मतलब क्या है ध्यान से देखिए ध्यान से देखना लिखो मत पहले इसको सी एच टू सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सी एच बॉन्ड के बारे में बात हो रही है यहां पर तीन अल्फा है यहां पर भी तीन अल्फा है तीन अल्फा है अब डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा इंडक्टिव बन जाएगा ठीक okay? है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी या हाइपर कॉन्जुगेशन भी बन सकता है क्यों बिकॉज तीनों में डिफरेंस है ना तीनों एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटीरियम है एक ट्रेटियम है वही चीज मैं आपको प्रूफ करना चाहूँ क्या प्रूफ करना चाहो ध्यान से देख तो जो सी एच बॉन्ड होगा एच बॉन्ड अगर मैं उसकी लेंथ ले लेता हूँ कुछ एच तो क्या आपको समझ आ रहा है आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मास मेरे भाई मास अगर बढ़ेगा तो आर तो घटेगा मास अगर बढ़ेगा तो आर तो घटेगा इसका मतलब जो सी एच बॉन्ड है क्या उसकी बॉन्ड लेंथ सी डी से ज्यादा होनी चाहिए एंड उसकी बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होनी क्या आपको यह समझ आया नहीं आया क्या बोला मैंने ठीक है बिकॉज जो सी एच है उसका जो मास है एच का वो लीस्ट है इधर वन बाई टू आएगा इधर वन बाई थ्री आएगा तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं देखो कितना प्यारा डेरिवेशन। बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो वो ये बन जाएगा तो सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूं कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है बॉन्ड ब्रेकिंग तो मैं किस बॉन्ड को जल्दी तोड़ सकता हूं तो जो सबसे लंबा बॉन्ड होगा वही सबसे जल्दी टूटेगा तो यही सेम चीज यहां पे भी आ जाएगी नीचे वही सेम चीज यहां पे भी आ जाएगी नीचे तो क्या आपको समझ आया या नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं क्या डिराइव किया गया है तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो बोलने को तो है कि तीन अल्फा तीन अल्फा तीन अल्फा लेकिन जब देने की बात आएगी हाइपर कॉन्जुकेशन के द्वारा बिकॉज हाइपर क्विकेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव तो जब देने की बात आएगी कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा सी एच बॉन्ड जल्दी टूटेगा टी डी बॉन्ड से एंड सी टी बॉन्ड से तो बेटर हाइपर कॉन्जुकेशन कहाँ पे हो पाएगी तो बेटर हाइपर कॉन्जुकेशन हो तो लिख लीजिए इसको पॉज करके देखिए प्रॉपर तरीके से सा आपके सामने डिराइव कर दिया गया आया समझ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब आइए नंबर ओ के ऊपर पॉज करके लिख लिया होगा आई होप आपने नंबर ओ फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है सी एच थ्री प्लस टी थ्री प्लस ट्राई करना है इसको क्वेश्चन को नंबर ओ वाले को नंबर पी नंबर पी एंड नंबर क्यू ये तीनों क्वेश्चन आप साथ में लिख लो तभी आपको कंफ्यूजन अगर हो भी रही नहीं तो होनी चाहिए क्या गया है सब ओके तो जो नंबर पी क्वेश्चन है वहां पे ये है स्केच थ्री टी थ्री एंड जो नंबर क्यू क्वेश्चन है वहां पे हमारे पास है स्केच थ्री टी थ्री एक बार पॉज करके ट्राई करिए एक बार इसको पॉज करके ओके नंबर ओ वाले की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल ध्यान से देखना क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुकेशन होगा नहीं होगा ना जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हो सी एच 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 कौन सा हाइपर कॉन्जुकेशन हो रहा है भाई यहां पे? कोई हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आ गए? तो बेसिकली यहां पे क्या लिया जाएगा यहां पे लिया जाएगा ओनली प्लस आई इफेक्ट क्या लिया जाएगा ओनली प्लस आई इफेक्ट अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है सब कुछ फिजिक्स है तो प्लस आई पे ज्यादा होगा लॉजिकली समझो जो पास में होगा प्लस आई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस तो मेरे भाई जो बॉन्ड लेंथ थी वो सी एच की ज्यादा थी सी डी की कम थी वो सी टी की कम थी तो सबसे पास में कौन होने वाला है सबसे पास में सी टी होने वाला है तो सिंस सबसे पास में सी टी होने वाला है इसका मतलब क्या हो जाएगा जो प्लस आई बन जाएगा सी टी वाले का वो बन जाएगा ड्यूटीरियम से ज़्यादा वो बन जाएगा हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या यही चीज मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे नहीं लिखवाई थी लो आज प्रूफ भी कर दी मॉडल के द्वारा नेक्स्ट नंबर पी पे आते हैं नंबर पी में ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुकेशन होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा क्यों प्लस यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया बस तो सभी के साथ हाइपर कॉन्जुकेशन होने वाला है और अभी दो मिनट पहले प्रूव किया कि सी एच बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है इसलिए वहां पे बेटर हाइपर कॉन्जुकेशन हो पाएगी एच थ्री बेटर थ्री

कितना सिंपल है अगर आप दिमाग दिमाग नहीं लगाओगे तो सब हार्ड लगेगा ओके पॉज करके लिख लीजिए नंबर क्यू को पॉज करके लिख लीजिए ओके नंबर आर के ऊपर चलते हैं आइए नंबर आर ढंग से करना आपको क्या दिया गया है वही सेम बेंजाइल कार्बोकोटाइन इसके पैरा पोजीशन के ऊपर कुछ ग्रुप जी प्रेजेंट है ग्रुप जी हमने पांच ग्रुप्स लिए बी ए बी ट्राई करिए नंबर एस मिल ओके आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा सेम क्वेश्चन है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी ओके okay, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ध्यान से देखना स्टेज थ्री कौन कौन से इफेक्ट दिखा सकता है प्लस एच प्लस आई अब समझ आ रहा है जो पुरानी चीजें सब मिक्स हो रही हैं बाद में जाके ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म जियो से मिक्स होने वाला है तो बोल रहा था मैं पहले से कि ढंग से करो अच्छा ओ OH एच दिखा सकता है प्लस एम माइनस आई जो सी एल है वो दिखा सकता है प्लस एम माइनस एम माइनस आई एन एच टू क्या दिखा सकता है प्लस एम माइनस आई एंड सी एन दिखा सकता है माइनस एम माइनस आई आ गया समझ भाई साहब तो मोस्ट टेबल में कंपटीशन किंग किंग के बीच में होने वाला है वो कंपटीशन होगा ओ OH में एंड एन टू में पी एच थ्री उनके बाद आएगा क्यों बिकॉज वहां पे प्लस एच है प्लस एम नहीं है प्लस एम सभी के ऊपर डोमिनेट कर लेगा ओ एच वर्सेज टू में बेटर डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होगा ओ OH एच में ज्यादा माइनस आई है तो वो कम डोनेटिंग होगा बेटर डोनेटिंग बन के आ जाएगा डी देन बी अब देखो ये दे रहा है लेकिन ये दे रहा है ले रहा है ये तो प्रॉपरली ले रहा है तो ये समझ आएगा कि ई e वाला एंड में होना चाहिए एंड ये कौन सा एन के ठीक है देख लीजिए इसको सी एल में क्या रहा पैसे हो, M, M, हो रहा है सोच सकते हैं कि प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो रहा है लाइक सोचने के लिए ऐसा होता नहीं सोचने का तरीका है ये Since वो कैंसल हो रहा है तो नेट में वो खींच रहा है माइनस आई के द्वारा लेकिन यहाँ पे तो गॉड तो लेवल बैठा हुआ माइनस एम वाला वो तो, तो और भयंकर तरीके से खींच रहा होगा ठीक है समझ आया नहीं आया क्या चल रहा है देखो ऑर्गेनिक है बहुत आसान अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना थोड़ा सा और पुरानी चीजें सब आपके पास बस मिक्स हो हो के नई नई चीजें बनती जाती हैं जिनमें आप लोग फंसते जाते हो ओके okay, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाना चाहिए अगर हम ध्यान से देखें अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो आपका समझ आएगा ये दे रहा है ये भी दे रहा है ये दे रहा है देखो तो सल्फर कौन कौन से इफेक्ट दिखा सकता है सल्फर दे भी सकता है लेकिन ले भी तो सकता है ना माइनस एम के द्वारा इसलिए बेस्ट कौन दे रहा होगा ये यहाँ पे एक माइनस एम आ गया ना यहाँ पे दो बार आ जाएगा हेट में विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा वो इसलिए जो ऑर्डर बन के आ जाएगा वो ये बन जाएगा ठीक है पॉज करके लिख लीजिए अब हम ब्रेड सुल्क के साथ स्टार्ट करेंगे ओके ब्रेड सुल्क तो बिल्कुल ध्यान से देखिए ब्रेड सुल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ब्रिज हेड के बारे में क्या पता होना चाहिए ब्रिज हेड ब्रिज हेड भी पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई साहब ब्रिज क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बिल्कुल तो ध्यान से देखना है इसमें लोग एंड तक कन्फ्यूज रहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया मैंने ये पूछा कि ब्रिज पे कितने कार्बन्स प्रेजेंट हो रहे हैं ठीक है तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या समझ आएगा पहली बात ब्रिज होता क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंड्रा वर्ली सीलिंग यहाँ पे बैंड्रा है यहां पे आपके पास वर्ली है वर्ली है जब मैं बैंड्रा वाली सीलिंग ले रहा हूं तो वो सीलिंग किसका है क्या वो बैंड्रा का है क्या वो वर्ली का है या किसी का नहीं है वो किसी का भी नहीं है वो नोमैन no लैंड हो रहा है ना ही वो बैंड्रा का है ना ही वो वर्ली का है आया समझ में नहीं आया बस वही चीज यहां पे भी हो रही है तो ब्रिज क्या है ब्रिज मतलब दोनों के बीच में कॉमन एरिया तो ये जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या आपको समझ आया इसी को हम बोल देते हैं ब्रिज क्या बोल देते हैं ब्रिज अच्छा ब्रिज हेड क्या हो जाएगा ब्रिज हेड मतलब बैंड्रा एंड जो वर्ली है वो तो हमारे पास ब्रिज हेड है वो क्या है कहां कहां, ब्रिज हेड कहां खत्म हुआ कहाँ ब्रिज कहाँ एक्सेट्रा ठीक है तो ये जो कार्बन हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास ब्रिज हैड कार्बन हेड कार्बन एक और देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया ध्यान से देखना बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को डाउट आना भी चाहिए अब ओके ध्यान से okay, देखना ये देखिए मॉलिक तो अगर मेरे भाई मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूं तो ध्यान से देखना क्या को समझ आ रहा है पहली बात दोनों में कॉमन एरिया क्या है दोनों में कॉमन एरिया बस ये तीन कार्बन वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको जो इस मॉलिक्यूल के लिए बैंड्रावली सीलिंग है इसका मतलब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्रिज येलो कलर वाला क्या हो जाएगा ब्रिज लेकिन ब्रिज हेड क्या होगा ब्रिज हेड हो जाएगा ये मतलब ये है तो ये मेरे भाई बर्ली है आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा बेसिकली अगर मैं जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक चीज आपको पता रहनी चाहिए कि जो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो हैं उनका आई यू नहीं है सी सिलेबस में नहीं है में कभी आ जाए तो अलग बात है ठीक है लेकिन वही वाली बात है ना क्या आप हजार आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पढ़ के जाना चाहोगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए के वो तो गैम्बलिंग हो जाएगा तो ये आई यू पी एस सी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बताना चाह रहा हूं बेसिक देखिए कोई भी बाईसाइक्लो सिस्टम होता है कोई भी बाईसाइक्लो सिस्टम उसका नॉर्मल क्लेचर होता है बाईसाइक्लो टू तो रिप्रेजेंट द बाईसाइक्सिटी उसके बाद एक्स वाई जेड एलकेन एलकिन जो भी है आया समझ तो कोई भी बाईसाइक्लो सिस्टम में नॉर्मल इस प्रकार से होता है अब हमें एक्स वाई जेड क्या है वो समझना है और एक्चुअली हमें एक्स वाई जेड से ही मतलब रहने वाला है तो बहुत सिंपल है ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड मतलब क्या इसके सिवाय मतलब ब्रिज हेड के सिवाय और कितने कार्बन प्रेजेंट हो रहे बिकॉज लॉजिकली समझो क्या ब्रिज हेड अगर है तो मिनिमम दो कार्बन तो हमेशा ही रहेंगे ना तभी तो ब्रिज बनेगा दो सिटीज के बीच में ब्रिज बनता है ना आया समझे नहीं आया हो सकता है यहां पे बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाए दो आ जाए तीन आ जाए लेकिन सिंस जैसे मैं पता है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सिमिलरली ब्रिज हेड पे मिनिमम दो कार्बन तो हमेशा ही रहेंगे मिनिमम दो कार्बन तो हमेशा ही रहेंगे तो जो हमेशा रहता है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है बिकॉज वो हमेशा रहने वाला है अच्छा इसका मतलब क्या वो समझते हैं देखिए फॉर एग्जांपल मुझे इस सिस्टम का नॉमन करना है आई के द्वारा इसका नाम कैसे होगा ब्रिज हेड को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो तो हमेशा ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो यहाँ पे कितने कार्बन है चार कार्बन है सिवाय ब्रिज हेड के यहाँ पे मेरे भाई चार कार्बन है सिवाय ब्रिज हेड पे ब्रिज हेड पे इन दोनों के सिवाय क्या कोई और कार्बन है नहीं इसलिए पे जब हम लिखेंगे तो बाईस साइक्लो उससे मतलब नहीं है नंबर से मतलब है तो फोर फोर एंड बीच में कितना जीरो टू नहीं लिखोगे जीरो लिखोगे बिकॉज टू तो हमेशा रहेगा ना एक्स्ट्रा कितना आया कोई नहीं आया तो जीरो ठीक है ऑब्वियसली ऑबियसली समझ नहीं आया होगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो इसको ध्यान से देखना ठीक है आप समझ आ जाएगा आपको देखिए तो ब्रिज हेड है अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे भाई एक दो तीन चार कार्बन है इस साइड इधर हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका नाम क्या बन जाएगा बाईसाइक्लो एंड अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में भी तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास बीच में भी तो एक कार्बन ये एक्स्ट्रा आ गया ना जो तो दो के सिवाय है तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा फाइव डॉट फोर डॉट अब समझ आ गया? फाइव डॉट फोर डॉट वन बेसिकली जो एक्स वाई जेड है उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ऐसा जो एक्स की वैल्यू है वो वाई से बड़ी होगी होगी या बराबर होगी या वाई की वैल्यू है z से बड़ी होगी या बराबर होगी ठीक है देख लीजिए पॉज करके देख लीजिए पॉज करके और देखिए बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है अभी तक ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है इसके हम फॉर एग्जांपल हमने ये मॉलिक्यूल लिया की मॉलिक्यूल अगर हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो बाईसाइक्लो समथिंग समथिंग वो समथिंग समथिंग सम मतलब है नंबर से मतलब है तो अगर हम ध्यान से देखें प्लीज अंडरस्टैंड दिस ब्रिज पहले क्या है ब्रिज ब्रिज ये है ना जो दोनों के बीच में कॉमन हो जाए अगर आपको इसमें विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा ऐसे लिख लो देखो अब थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा देखिए ये दोनों वाले कार्बन ये हैं, जो हवा में ये दोनों हैं, वो ये हैं, इधर दो हैं, वो ये हैं दिखा ये नहीं दिखा तो अगर हम ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा पहली बात ब्रिज क्या है ब्रिज ये है दिस इज द ब्रिज हेड पे तो दो कार्बन है अच्छा बगल में एक दो एक बीच में क्या एक्स्ट्रा कार्बन हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं ये एक्स्ट्रा ही तो हैं। सिवाय तो ब्रिज हेड के हैं क्या बन जाएगा सबसे बड़ा नंबर टू उससे छोटा उससे छोटा तो टू डॉट टू डॉट टू हमारे पास बनके अब आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है ठीक है अब आगे होगा देख लीजिए इसको पॉज करके अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेड्स रूल बोलता क्या है तो बिल्कुल अब आंख खोल के दिमाग खोल के बैठे विदाउट योर नोटबुक्स ठीक है विदाउट लिखे हुए बिल्कुल ध्यान से देखना फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो ये है बाइसाइकलो टू डॉट टू डॉट वन बन जाएगा ठीक है मैंने ब्रिज हेड पे कार्बन लगा दिया ब्रिज हेड के कार्बन पे प्लस लगा दिया बिल्कुल ध्यान से देखना होगा क्या ठीक है प्लस चार जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एसपी टू की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल एसपी टू की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनार तो बिल्कुल ध्यान से देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली क्या आपको सिंपल मैथ्स के द्वारा दिखाई दे रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है उसका कार्बन नॉन प्लेनार है अच्छा नॉन प्लेनार कैसे वो देखे ध्यान से एक बॉन्ड ये है दूसरा बॉन्ड हमारे पास ये है एंड तीसरा बॉन्ड हमारे पास ये है अब समझ आया तो ऑब्वियस बात है हाइट आ गई तो जैसे हमारे पास हाइट आ जाएगी तो वो बन के आ जाएगा नॉन प्लेनर कंपाउंड नॉन प्लेनर आर थ्री में प्रेजेंट हो रहा है लेकिन हमें तो चाहिए प्लेनर हमें तो चाहिए प्लेनर तो अब होगा क्या अब बिल्कुल ध्यान से देखना विजुलाइज़ करना है तो ये क्या करना चाहेगा प्लेन बनना चाहेगा तो काबू कटाया ऐसा बैठा है क्या करना चाहेगा प्लेनार बनना चाहेगा तो जब वो प्लेनार बनना चाहेगा तो लेट मी से ये ए है ये पॉइंट बी है ये सी है मतलब अभी ये कुछ ऐसा है ए बी सी लेकिन वो ऐसा रहना नहीं चाहता बिकॉज वो सेम प्लेन में नहीं है तो सेम प्लेन में आने के लिए वो क्या करेगा खुद को बेंड करेगा बिल्कुल बारीक साइन समझ आ रहा है ऐसा कुछ ऐसा करना चाहेगा तभी तो वो प्लेनर बनेगा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है तो लॉजिकली समझो फॉर एग्जाम्पल आप इसको अपनी लेग्स मान लो क्या मान लो लेग लात वन लात टू लेग वन लेग टू और ऐसे स्प्लिट करो ठीक है समझ आ रहा है तो बेसिकली मैंने तो स्क्वाड कर दिया स्प्लिट करिए समझ आ रहा है तो आपने क्या किया स्प्लिट किया तो मेरे भाई जब आप स्प्लिट करोगे तो क्या आपकी जीन्स फट नहीं जाएगी मेरे भाई जब आप लोग स्प्लिट करोगे तो क्या आपकी जीन्स फट नहीं जाएगी मेरे भाई वही यहां पे हो रहा है ठीक है तो जब ये स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा होगा जब ये स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा होगा बिकॉज जिम्नास्ट तो है नहीं है क्या दुनिया में स्प्लिट करना पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है ठीक है लेकिन जिनकी ट्रेनिंग हो उसके अंदर तो यहां पे ये जो कार्बोकोटायन है उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वो स्प्लिट करेगा और जैसे उसने स्प्लिट किया उसकी जीन्स फट जाएगी उसकी जीन्स फट जाएगी और जीन्स फटने का बोलने का मतलब क्या है कि जो रिंग होगी वो रप्चर हो जाएगी रिंग रप्चर हो जाएगी रिंग टूट जाएगी रप्चर बोलने का मतलब ये होता है इसीलिए ये वाला कार्बोकोटायन एग्जिस्ट नहीं करता तो डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बिकॉज वो प्लेनार बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कोशिश नामुमकिन हो रही है और जैसे वो कोशिश नामुमकिन हो रही है तो रिंग फट जाएगा रिंग फट जाएगा ठीक है पॉज करके लिख लीजिए अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या बताया मेरे भाई मैंने ये बताया कि जिमनास्ट तो ये कर सकते हैं जिमनास्ट की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो वो लोग स्प्लिट आराम से कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया किसने ब्रेड्स ने तभी इसका नाम ब्रेड रूल है ठीक तो है तो ब्रेड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर रिंग बड़ी हो जाए अगर रिंग बड़ी हो जाए तो वो एक जिमनास्ट की तरह बिहेव करेगा फिर वो आराम से स्प्लिट कर सकता है बिकॉज जगह बहुत है ना सोचो ना कार्बन बढ़ गए आराम से स्प्लिट कर सकता है वो तो बेसिकली ब्रेड्स ने क्या बोला उसने ये बोला कि मेरे भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू नाइन या नाइन से बड़ी हो जाए नाइन या नाइन से बड़ी हो जाए तो वहां पे अपन के पास एग्जिस्ट कर सकता है हमारा कार्बोकटायन को लिखवा देता हूं लिख लीजिए फॉर एनी बाईसाइक्लो कंपाउंड फॉर एनी बाईसाइक्लो कंपाउंड फॉर एनी बाईसाइक्लो कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड इफ इफ अ एसपी टू कार्बन इफ अ एस पी टू कार्बन हैज टू बी स्टेबल हैज टू बी स्टेबल एट द ब्रिज हेड एट द ब्रिज हेड पोजिशन एट द ब्रिज हेड पोजिशन जो मैंने ये लिखा है ना इसको ठीक है देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन शुड बी ग्रेटर टू नाइन अच्छा क्या समझ आ रहा है नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे भाई ये कैसे जेड मतलब बोलना चाह रहा हूँ जो बीच वाला जो एरिया ना बैंड्रावली सीलिंग वाला एरिया जैसे देखो भाई ध्यान समझना ये जीरो तो नहीं होगा बिकॉज अगर जीरो होगा तो अब तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना जैसे ये मॉलिकल देखो हमेशा एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा क्यों इसके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है ना नॉन प्लेनैरिटी का देखो यह है तो ऑलरेडी सेम प्लेन में बैठा है ना एबीसी ऑलरेडी सेम प्लेन में बैठा हुआ है बिकॉज ऊपर कोई है ही नहीं जैसे यहां पे ऊपर कोई है जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है यहाँ पे मेरे भाई जब ऊपर ही कोई नहीं है सब सेम प्लेन में बैठे हैं तो कौन सा प्रेशर आएगा ठीक है एक और देखिए तो Z जीरो नहीं होना चाहिए मतलब ब्रिज हेड कार्बन पे जीरो नहीं होना चाहिए ये देख सकते हो आपको समझ आना चाहिए अब ये A है ये B है ये C है। तो आपको दिख जाएगा कोई प्रेशर नहीं है सबके सब आराम सब से सेम प्लेन में बैठे हैं तो ये आराम से एग्जिस्ट कर रहा हो अच्छा sp2 बोलने का मतलब क्या होता है ये आपको समझ आता है ना कि कार्बोकटाइन हो गया रेडिकल हो गया डबल बॉन्ड हो गया ठीक है तो जब z इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो वो तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऊपर से प्रेशर ही नहीं आ रहा है तो जब ऊपर से प्रेशर ही नहीं आ रहा है तो उसको प्लेनारिटी की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो पहले से ही प्लेनार है तो जो चीज़ पहले से प्लेन है उसमें आप स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की कहाँ से बात कर ठीक है तो नंबर टी क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद तो पहले लिख लीजिए इसको पॉज करके ये है ब्रेडसुल सिंपल सा अब आइए नंबर टी करिए ट्राई ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ठीक है सोच समझ के करना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है नंबर टी ये है यू ये है ठीक है सबसे पहले नंबर टी एंड नंबर यू को डिस्कस कर लेते हैं तो अगर मैं नंबर टी वाले के बारे में बात करूं तो यहां पे तो रेड सूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्यों बिकॉज वो ऑलरेडी देखो ना जीरो है जेड ये ऑलरेडी सेम प्लेन में बैठा हुआ है ना ऑलरेडी सेम प्लेन में बैठा हुआ है ये तो आराम से एग्जिस्ट करेगा नंबर यू वाले के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इसको बाई नेम लिखना चाहें तो यहाँ से तीन यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एंड ब्रिज हेड पे आपके पास है वन एंड टू वन एंड तो क्या बन जाएगा इसको बाइस साइक्लो वाले के अंदर नेम नेम बन के आ जाएगा एट डॉट थ्री डॉट टू क्या एट प्लस थ्री प्लस टू नाइन से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है बड़ा सिस्टम है तो आराम से फैल सकता है बिकॉज ये ओलंपिक लेवल जिमनास्ट है तो ये आराम से आपके पास स्प्लिट कर सकता है तो ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा नंबर वी ट्राई करिए फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है सोच तो समझ के करना नंबर वी को नंबर डब्ल्यू ध्यान से देख लीजिए बी एंड डब्ल्यू को करिए ट्राइ और भी आपको भी अच्छा नंबर वी की अगर हम बात करें तो नंबर वी में क्या हो रहा है वो देखते हैं तो नंबर वी वाले मॉलिक्यूल में ब्रिज हेड पे नहीं है अगर आप बाई पहली बात तो बाईस नेम भी लिख लीजिए तो फोर यहां से थ्री यहां से वन यहां से फोर डॉट थ्री डॉट वन तो आपको लगेगा भाई ये तो नाइन से बड़ा नहीं है डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अरे भाई ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड थोड़ी है नॉर्मल पोजिशन में डबल बॉन्ड तो आराम से एग्जिस्ट करता है उसमें क्या दिक्कत है ब्रिज हेड पे दिक्कत है ना बिकॉज तब उसको फैलना पड़ रहा है प्लेनारिटी लाने के लिए लेकिन नॉर्मल पोजिशन में तो हमेशा ही प्लेनर बनता है जैसे पहले आपने पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ी एंड अभी ऑर्गेनिक पढ़ी से यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा टू डॉट टू डॉट टू आ जाएगा नंबर W के अंदर आया समझ क्या हो रहा है करके लिख लीजिए हैं थोड़ा नंबर X ध्यान से करना फॉर एग्जाम्पल आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया है ये है ट्राई करिए नंबर एक्स को क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करेगा एग्जिस्ट करेगा अंडरस्टैंड करेगा क्यों बिकॉज माइनस हमारे पास एस पी टू नहीं है ये एसपी थ्री है एक लेवल और ऊपर जाते हैं एग्जिस्ट समझ आ गया क्या ये माइनस कॉन्जुगेशन में होगा या नहीं होगा मतलब क्या यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा या नहीं होगा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा देखो कितना मजेदार है ये माइनस एग्जिस्ट जरूर करेगा मेरे भाई लेकिन रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई रेजोनेंस तो पॉसिबल है करवा के देखो एक बार क्या होता है जैसे हमने रेजोनेंस करवाया तो क्या बन जाएगा एंड वंस अगेन ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ गया टू डॉट टू डॉट वन बनेगा इसका नॉमन क्लेचर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा लेकिन कंपाउंड एग्जिस्ट जरूर करेगा देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ठीक है पॉज करके लिख लीजिए नंबर वाई फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया है आपको मजा फोर डॉट टू डॉट टू ओके अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के सिंपल इस डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर के। अच्छा पहली बात क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा पहला क्वेश्चन तो वही होता है हमारा करेगा ना मेरे भाई ठीक है इसमें फसल अभी तक ब्रिज हेड पे थोड़ी है तो कंपाउंड एग्जिस्ट जरूर कर रहा है कंपाउंड एग्जिस्ट जरूर कर रहा है क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा देखिए क्या मजेदार चीजें क्यों नहीं होगा बिकॉज आपके लिए पहली बात ये हाइड्रोजन है ल्फाइड्रो ठीक है अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन करवाते हो ऐसा नहीं आया क्या खेल हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने से ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा जिसके द्वारा हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है पॉज करके लिख लीजिए मजेदार कंपाउंड्स देखो एग्जिस्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस ये सब भी पॉसिबिलिटीज कितनी इंटरेस्टिंग बना देती हैं उस पूरे टॉपिक को वो चीज़ आपको समझनी पड़े वो चीज़ आपको समझनी उसी से मज़ा आता है ठीक है ट्राई करिए नंबर जेड को नंबर जेड वनबर जेड वन ओके ट्राई करिए ट्राई करिए अच्छा Z2 आपके लिए होमवर्क रहेगा तो Z2 टू एज अ होमवर्क आप लोग करके आ सकते हो मतलब कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मुझे बताना है होमवर्क तो ऑलरेडी भिजवा दिया हमने Z2 का आपको आंसर कमेंट से बताना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ठीक है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा अच्छा Z1 डिस्कस कर लेते हैं जेड आराम से एग्जिस्ट करेगा एंड रेजोनेंस भी पॉसिबल हो जाएगा क्यों बिकॉज यहां पे तो ऊपर से प्रेशर ही नहीं है आराम से एग्जिस्ट एग्जिस्टेड वन वंस अगेन सिंपल क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्यों बिकॉज आपके पास जो है टू डॉट टू डॉट टू बन रहा है तो अगर आपने ये सोचा तो गलत है ये एग्जिस्ट करेगा ये एग्जिस्ट करेगा मेरे भाई क्यों करेगा बिकॉज नाइट्रोजन इज एस से देखिए टू हमें पता ना क्या होता है पहले उस प्रकाश से ट्रेन कर दो कि आप सेम चीज सोचते रहो सोचते रहो फिर सडनली नई चीज फेंक दो तब मजा आता है ठीक है भी दिमाग बिल्ड होता है sp3 है ना sp3 तो ब्रिज हेड पे एग्जिस्ट करता है क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा नहीं होगा क्यों भाई डबल बॉन्ड इज नॉट द रीजन कि रेजोनेंस नहीं होगा तो जैसे अगर आप रेजोनेंस करवाने का सोचते हो तो नाइट्रोजन के ऊपर पांच बॉन्ड बन जाएंगे ना और जैसे पांच बॉन्ड बन गए तो दस इलेक्ट्रॉन्स आ जा जाएंगे जो पॉसिबल नहीं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट जरूर कर रहा है लेकिन रेजोनेंस लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रहा है अच्छा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स हम हाइपर कॉन्जिकेशन के टाइम पे पढ़ा चुके हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जहां पर कार्बोकोट लगाया है तभी मैं आप रेडिकल बना के कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन हम एसिडिटी में पढ़ाते हैं जो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए होमवर्क का आंसर लिख देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कमेंट्स कर देना अपने रिव्यूज जय हिंद ऑल द बेस्ट